हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग एक्सरसाइज 11.5, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. दिस वन वी ऑलरेडी डिड इन आवर ऑनलाइन क्लास इन आवर जूम मीटिंग. सो नाउ फ्रॉम क्वेश्चन 3 आई विल कंटिन्यू इन दिस वीडियो. एंड क्वेश्चन 3 फर्स्ट वन ऑल्सो वी कंप्लीटेड इन दैट ऑनलाइन क्लास. सो फ्रॉम बी आई विल सोल्व. ओके, सो फ्रॉम सेकेंड सम लेट वी कंटिन्यू. See, this was your first sum of question 3. Pick out the solution. यहाँ पर हमें एक equation दे रखा है और bracket के अंदर variables की अलग अलग value. तो turn by turn we have to put these values in place of m and we have to find the solution. Okay, so this way we have to do the sum. Now let us continue with second sum. Okay, B you will do in homework. C I will solve. The equation given over here is p minus 5 equals to 5. Here the variable is p and the value of variable which is given into this bracket is 0, 10, 5 and minus 5. So what we will do, in place of p we will put 0 first and we have to check that if we put 0 here can we get the solution. जीरो यहां पर पुट करने के बाद क्या हमें इसका सॉल्यूशन मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि p इक्वल टू जीरो इज द सॉल्यूशन, अदरवाइज p इक्वल टू जीरो इज नॉट द सॉल्यूशन. ओके, सेम वे इन नेक्स्ट ट्राई वी विल पुट 10 इन प्लेस ऑफ p. सो आई टोल्ड यू दैट अगर आपको किसी की जगह पर बैठना है तो सबसे पहले तो उसको वहां से हटाओ और फिर उसकी जगह पर बैठ जाओ. यही रूल याद रखो. p माइनस 5 में p को हटाओ और उसकी जगह पर बारी बारी से ये वैल्यूज रखते जाओ. तो सबसे पहले p इक्वल टू जीरो. सो व्हाट इज अवर लेफ्ट हैंड साइड? p माइनस 5. सो p को हटाओ और उसकी जगह पर पहले जीरो को रखो क्योंकि हम p इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं. सो पुट जीरो इन प्लेस ऑफ p. नाउ फाइंड द आंसर. जीरो माइनस p विल बी माइनस 5. नाउ सी इज इट मैच विथ आवर राइट हैंड साइड? क्या वो हमारे राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है? नहीं, इट इज 5 एंड हियर वी आर गेटिंग माइनस 5 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो इसका मतलब ये हुआ कि p इक्वल टू जीरो जो है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है. ओके, सो p इक्वल टू जीरो इज नॉट अ सॉल्यूशन. नेक्स्ट ट्राई, व्हाट इज द नेक्स्ट? 10. सो नाउ वी विल पुट 10 इन प्लेस ऑफ p. सो लेफ्ट हैंड साइड इज p माइनस 5. नाउ लेट आई पुट 10 इन प्लेस ऑफ p. 10 माइनस 5, व्हाट विल बी द आंसर? 5. नाउ चेक, is it matching with right hand side? Yes, so we can write which is equal to right hand side. Now here left hand side is equal to right hand side, that's why p equals to 10 is a solution. तो ये हमारे लिए solution होगा. ठीक है, अब हम next के बारे में देखेंगे. तो next value क्या है? 5. So now we will put 5 in place of p. So left hand side equals to p माइनस 5. p की जगह पर अब हम क्या पुट करने वाले हैं? 5. तो 5 माइनस 5 विल बी 0. नाउ 0 इज नॉट अवर सॉल्यूशन. तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स व्हाई p इक्वल्स टू 5 इज नॉट द सॉल्यूशन. अब लास्ट वाली वैल्यू है माइनस 5, तो p की जगह पर माइनस 5 लिखो. माइनस 5 इन माइनस 5, तो ये हो गया माइनस 10. दोनों का होगा एडिशन, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड बिकॉज अवर राइट हैंड साइड इज 5. सो p इक्वल टू माइनस 5 इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन. तो इस तरह से जितनी भी वैल्यू दे रखी है वो बारी बारी से जो भी वेरिएबल है आपका उसकी जगह पर रखते जाओ और सोचो कि क्या ये सॉल्यूशन है कि नहीं है कि नहीं. उसी तरह से सारे सम्स आपको करने हैं. तो E एंड F आप खुद से ट्राई करोगे. वी डिड A, B इज इन होमवर्क, देन आफ्टर आई डिड C, देन E एंड F यू विल डू इन होमवर्क. D आई एम सॉल्विंग. C, D इज हियर. व्हाट इज द इक्वेशन? Q अपॉन 2 इक्वल्स टू 7. तो वेरिएबल यहां पर है Q.
Now values are 7, 2, 10 and 14. So first of all we will find 4, q equal to 7. Then after we will find 4, q equals to 2, then q equal to 10 and q equal to 14. What is the left hand side of equation? Left hand side kya hai? Q by 2. तो वो सभी में same ही आएगा. देखो, left hand side equals to q by 2, left hand side equal to q by 2, left hand side equals to q by 2, left hand side equals to q by 2. ठीक है? अब देखो, पहले हम value 7 ले रहे हैं. तो यहाँ पर q की जगह पर मैं 7 रखूंगी, 7 by 2. यहाँ पर 2 है, तो 2 by 2. यहाँ पर 10 है, तो q की जगह पर हम लिखेंगे 10 by 2. And here it is 14, so we will write 14 by 2. अब इसको सॉल्व करो, अगर हो पाए तो, वरना as it is छोड़ दो. 7 by 2 not possible. तो हमारी right hand side क्या है? 7. Now check, क्या left hand side का जो answer मिल रहा है, वो right hand side के जैसा है? नहीं है. नहीं है तो हम लिखेंगे not equal to RHS. यहां पर देखो, 2 by 2 1 मिला, हमें क्या चाहिए? 7, तो not equal to RHS. And here 10 upon 2, if you will cancel, 2 5s are 10, so we will get the answer 5. Is it matching with this? No, we want 7 and we are getting 5, so not equal to right hand side. Lastly 14 by 2, 2 7s are 14, so here we are getting 7. Is it matching with RHS? Yes. तो यहां पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू RHS. तो इन तीनों में नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? q इक्वल टू 7 इज नॉट अ सॉल्यूशन, q इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, q इक्वल टू 10 इज नॉट अ सॉल्यूशन. लेकिन यहां पर आ गया है, तो यहां पर लिखेंगे q इक्वल टू 14 इज सॉल्यूशन. डन. सो दिस वे क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू डू. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन दैट टोटल 4 सम्स आर देयर, ए बी सी एंड डी. So I will solve here 3 sums and last one you will do by yourself in homework. Okay, it is very 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 easy. See, one equation is given to us, which is m plus 10 equals to 16. और करना क्या है? m की हमें अलग अलग value दे रखी है. कहां तक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Up to 13, the values are given of variable m. And the equation is m plus 10 equals to 16. तो जिस तरह से इस सम में हमने किया, उसी तरह से करना है. Initially m equals to 1, तो उस टाइम पे m plus 10 की वैल्यू फाइंड करो. मतलब m की जगह पर 1 को पुट करके वैल्यू निकालो. तो 1 plus 10 equals to 11. Next is 2. So put this 2 in place of m over here. तो m के जगह पर 2 को रखो. तो 2 plus 10 equals to 12 होगा. Similarly, now we will put 3 in place of m. So 3 plus 10 will be 13. Next, we'll put 4 in place of m. So 4 plus 10 equals to 14. We'll put 5 in place of 10. So 5 plus 10 equals to 15. We will put 6 in place of m. So it will be 6 plus 10 equals to 16. 7 in place of m. So 7 plus 10 equals to 8, 17. उस तरह से. बाकी मेरे पास जगह नहीं है, आप इसलिए खुद से कर लेना. 8 पुट करोगे तो 18, 19, यहाँ पर 20, 21, 22, 23, इस तरह से आपको आंसर्स मिलते जाएंगे. अब देखो कौन सा हमारे लिए सॉल्यूशन होगा. तो हमारी राइट हैंड साइड क्या है? 16. तो यहाँ पर 16 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर. मतलब कि m की वैल्यू जो 6 है वो होगा सॉल्यूशन. ठीक है, वैसे कुछ मेंशन नहीं करना है, बस इस तरह से आप हाईलाइट कर देना आंसर को कि ये सॉल्यूशन है, जिस तरह से मैंने किया है बॉक्स बनाकर, नथिंग एल्स. सिमिलरली नाउ विल डू फॉर बी. 5t इक्वल्स टू 35, दिस इज गिवन इक्वेशन. नाउ वैल्यू ऑफ t इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. इतनी वैल्यू दे रखी है t के लिए. हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 5 इंटू टी. सो आई विल राइट इट हियर, 5 इंटू टी. ये ऑलरेडी आपके बुक में टेबल बनाकर ही दिया हुआ है. अब टी की जगह पर पहले हम रखेंगे 3, बाद में 4, बाद में 5, बाद में 6, इस तरह से. तो इफ आई पुट 3, 5 इंटू 3, 15. देन आफ्टर 4, 5 इंटू 4, 20. देन आफ्टर 5, 5 इंटू 5, 25. तो इस तरह से टी की वैल्यू बदलते जाओ.
पहले 3, फिर 4, फिर 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, देन 11, देन 12, लाइक दिस. ओके, सो यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज. नाउ सोचो कि सॉल्यूशन क्या है 35. तो 35 कब मिला हमें? जब वैल्यू हमने रखी 70 की जगह पर. तो ये था हमारे लिए सॉल्यूशन. सिमिलरली सी, व्हाट इज द फंक्शन? z डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 4. अब पहले ना वेरिएबल m था, बाद में t, अब वेरिएबल है z. और वैल्यू क्या है z की? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. कहां तक है वैल्यू? 18 के बाद 19 एंड 20. अभी दो और है, 19 एंड 20. मेरे पास जगह नहीं है इसलिए ये दो आप खुद से कर देना, ठीक है? अब अगर z की जगह पर हम 8 लिखे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 3, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है तो ऐसे के ऐसे ही रहने दो. नेक्स्ट इज 9, सो 9 अपॉन 3 ये डिवाइड हो जाएगा. 3 3 जा 9, सी हियर, 3 3 जा 9. तो इसका आंसर क्या मिला हमें? 3. नेक्स्ट पुट 10, सो 10 बाय 3 नॉट डिविजिबल. नेक्स्ट इज 11, 11 बाय 3 नॉट डिविजिबल. नेक्स्ट इज 12, 3 4 जा 12, सो विल गेट द आंसर 4. देन आफ्टर 13 बाय 3, 14 बाय 3 एंड यहां पर डिवाइड हो जाएगा 3 5 जा, तो यहां पर मिल रहा है 5. ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे और यहां पर मिलेगा 6. अब हमारा सॉल्यूशन क्या है? 4. 4 कहां मिल रहा है? यहां. सो 12 विल बी द सॉल्यूशन. z की जगह पर 12 लिखे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, बाकी कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा. That's it. इतना ही करना है, तो D आप खुद से try करना. So here your question number 4 is over. Now question number 5 जो है ना, वहां पर थोड़ी सी puzzles दे रखी है, उसे riddles बोलते हैं. तो riddles को आपको solve करना है, वो question cancel कर दो, वो आपके syllabus से बाहर कर दिया है, तो उसमें से कोई question नहीं आएगा paper के अंदर. तो यहां पर exercise 11.5 over, clear, and the chapter is also over. So here chapter number 11 is over. You have to write down this chapter in your class work and be ready for your examination. अभी और एक chapter आपके syllabus में है, 11th chapter के बाद chapter number 7 fractions जो है वो भी हमें करना है. paper में इसमें से questions होंगे, लेकिन दो या तो तीन वीडियो में मैं शॉर्टली बता दूंगी कि चैप्टर में करना क्या है. डिटेल में नहीं जाएंगे हम फ्रैक्शंस के, ठीक है? थोड़े से ही सम्स मैं लूंगी ताकि आप लोग के ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो जाए. मुझे पता है कि मेरा कोर्स अभी बाकी है, इसीलिए मैं जो सेवेंथ चैप्टर है ना उसमें से बहुत सा कुछ कैंसिल कर दूंगी और इजी इजी जो है या तो फिर जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है वैसा ही मैं करवाऊंगी. दो या तीन लेक्चर के अंदर वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, डोंट वरी. सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट माय कोर्स एज अर्ली एज पॉसिबल. सो प्लीज कोऑपरेट एंड राइट डाउन चैप्टर नंबर 11 इन योर क्लास बुक. थैंक यू सो मच.